हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में NIACL असिस्टेंट प्री 2018 का जो अपकमिंग 9 सितंबर को एग्जाम है आपका, उसके क्वांट का जो उसका पेपर है आपका, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो जो बड़ा चेंज है वो है इस साल सेक्शनल टाइम है। इसमें एक घंटे का टाइम है लेकिन प्री के लिए, लेकिन उसमें आपको क्वांट के लिए मिलेंगे 20 मिनट, रीजनिंग के लिए भी मिलेंगे आपको 20 मिनट और इंग्लिश के लिए भी मिलेंगे 20 मिनट। तो एक दूसरे का टाइम एक दूसरे में यूज नहीं कर सकते, जो 20 मिनट जिसका है वो उसी में जाएगा। तो क्वांट के 20 मिनट हैं आपके, 20 मिनट को 20 मिनट में यूटिलाइज करना है। पिछले सालों में क्या कंपोजिट एक घंटे का टाइम होता था, तो उसमें इंग्लिश का कुछ टाइम निकाल के बच्चे कुछ रीजनिंग में डाल लेते थे, कुछ क्वांट में डाल लेते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। जो इंग्लिश का टाइम है वो इंग्लिश में ही दिया जाएगा। तो जिन बच्चों का इंग्लिश का लेवल थोड़ा बेटर है उनके लिए एज रहेगा इस एग्जाम में। अब इसमें अगर पिछले साल का कट ऑफ का देखें, वैसे तो स्टेट वाइज कट ऑफ है, बहुत वाइड रेंज होती है। जैसे इस साल का भी आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी जैसे 685 है, और आप देखेंगे इसमें अकेले महाराष्ट्र में अकेले में 155 है आउट ऑफ 685। उसके बाद सेकेंड साइड गुजरात है और देन साइड दिल्ली है आई थिंक, और ये काफी कम है, ये 60 के अराउंड है, ये 50 के अराउंड है और महाराष्ट्र 155 है। तो वेरिएशन स्टेट वाइज काफी देखने को मिल सकता है। पिछले साल का एज ऑन एवरेज बड़े बड़े स्टेट्स का अगर आपने देखें तो अनरिजर्व का जो था, अनरिजर्व का करीब 65 के अराउंड था, आपके ओबीसी का जो 60 के अराउंड था, एससी का 55 के अराउंड था और एसटी का 50 के अराउंड था। स्टेट वाइज वेरी था बट मोटा मोटा आप देखें तो ये इसमें इतना था। और इस साल भी ओबीएस वेरी तो करेगा, बाकी पेपर पे भी डिपेंड करेगा, मतलब प्रेडिक्ट करना बड़ा टफ होता है। और कभी भी आप, मैं तो आपसे कहूंगा कि जब भी कोई एग्जाम देने जाए आप कोई सर्टेन टारगेट लेके नहीं जाए कि मुझे 70 अटेम्प्ट करने हैं या मुझे 65 करने हैं या मुझे 75 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और हो सकता है जैसे क्वांट का पेपर आपका सबसे पहले आया और आपने, आपका टारगेट था 35 में से मैं 25 प्लस करूं और आप उसमें 20 ही कर पाए, हो सकता है पेपर का लेवल ही ऐसा हो, कैलकुलेटिव पेपर हो और दूसरे 20 भी नहीं कर पाए हो। तो जो भी आपका टाइम है 20 मिनट का, उसका ऑप्टिमम यूज करें और बिल्कुल स्ट्रेस लेस होके जाए। अपना जो आप दे सकते हैं 100% वो उस पेपर में देने की कोशिश करें, स्ट्रेस जीरो रखते जो है वो इस पर पे छोड़ दे, अच्छा ही होगा। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर का अगर आपने देखें तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का जो पार्ट था उसमें से 10 क्वेश्चन आए हैं, देन आपकी नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए हैं, सिंपल थे सभी। देन आप देखें एक डीआई टेबुलर फॉर्म की आई है, उसके 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले सीक्वेंस वाइज ही करने की जरूरत है। फिर मिसलेनियस है 10 और 10 20, तो 15 जो बच गए वो क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चंस में अब इनमें काफी वेरिएशन था, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 40 सेकेंड में ही होने वाले थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 1.5 मिनट लगने वाला। ये आपके ऊपर है कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, घुसे उसी में जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ठीक है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है मैं कर लूंगा, देन कीजिए। मिक्सर एंड एलिगेशन का है, एजेस का है, दो रेशियो दिए हुए हैं प्रेजेंट का फ्यूचर का, तो आपको पता है 20-25 सेकंड का क्वेश्चन आप जरूर कीजिए। डायरेक्ट परसेंटेज का कई बार क्वेश्चन आता है, आप बिल्कुल उसको कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको नहीं नजर आ रहा तो आपको पता है श्योर शॉर्ट टाइम में कर डालूंगा इसको, तो उसको करिए। टाइम एंड डिस्टेंस पे आते हैं, कई बार आपके ट्रेन पे आ गया, बोट एंड डिस्टेंस पे आ गया, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन मिसलेनियस नहीं होगा जिसमें आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो आप कर नहीं पाओगे, बट कितने टाइम में कर पाओगे ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे अगर यही पैटर्न रहता है तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज और डीआई, ये 20 क्वेश्चन इन्हीं को आप पहले प्रायोरिटी दें, देन आपके पास कितना टाइम बचता है उसमें फिर आप मिसलेनियस में जाए और मस्त होके दें। ऐसा नहीं है कि ये कोई नहीं तो ये पहला एग्जाम है नहीं आखिरी एग्जाम है, आप अपना बेस्ट दें पूरा, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें, अच्छा होगा आपके साथ। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स रेगुलर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस।